बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 6.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, आज उसका लास्ट क्वेश्चन है, तो आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है बोर्ड के एग्जाम में, और शार्ट भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो आखिरी क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4-5। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि 4-5 से टेंजेंट ड्रा करें, ये करें और एक ये, दो टेंजेंट ड्रा होंगे ना। ऑब्जेक्टिव याद रखें कि सर्कल के आउटसाइड कोई भी पॉइंट हो तो वहां से दो टेंजेंट्स ड्रा होते हैं, एक ये और एक आउटवर्ड ये। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 4-5। पहले हम इस बात पर गौर करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 4-5, 4-5 से टेंजेंट्स ड्रा किए। अब फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन, जो टेंजेंट ड्रॉन किया उसका सर्कल के साथ, टू द सर्कल, सर्कल के साथ कॉन्टेक्ट कहां हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये आ रहा है और एक ये, एक को मैंने नाम दे दिया है x1 y1 और एक को नाम मैंने दे दिया x2 y2। तो अब हमने क्या करना है कि x1 y1 और x2 y2 पे ये सर्कल और टेंजेंट्स एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। इस 4-5 पे जो टेंजेंट ड्रा किए हैं उसका सर्कल के साथ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, और 4-5 से एक और टेंजेंट ड्रा किया है उसका सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x2 y2 और एक x1 y1। अब पढ़ते हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो आपके पास है कॉन्टेक्ट किसके, कॉन्टेक्ट किसके, कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4-5 टू द सर्कल, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो मिले हैं वहां पे उसकी इक्वेशन। कॉर्ड क्या होती है, दो पॉइंट मिले हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमें कितने मिले हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितने, टू। पहले बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, टेंजेंट लाइन और सर्कल जहां पे मिलते हैं उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। अगर पॉइंट आउटसाइड हो तो उससे टेंजेंट कितने ड्रा होंगे, दो, तो सर्कल का जो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक ये आ गया x1 y1 और दूसरा आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गया x2 y2। अगर इन दोनों को जोड़े तो एक कॉर्ड बनती है। कॉर्ड क्या होती है कि सर्कल के दो पॉइंट लें उनको जोड़ दें तो उसको कॉर्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास एक बन गई कॉर्ड, x1 y1 एक पॉइंट है, एक x2 y2, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट उनको जोड़ें तो आपके पास क्या बनेगी, एक कॉर्ड बनेगी। तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कि ये जो कॉन्टेक्ट है ना सर्कल का टेंजेंट का, वहां पे एक कॉर्ड बनती है उसकी इक्वेशन निकालें। सबसे पहले हम ये वाला टेंजेंट निकालेंगे, उसके ऊपर एक पॉइंट x1 y1 है, फिर हम ये वाला टेंजेंट निकालेंगे उसके ऊपर पॉइंट x2 y2 है, तो हमारे पास एक लाइन मिलेगी दोनों, और उसमें हम देखेंगे x1 y1 भी उसके ऊपर लाई कर रहा है, x2 y2 भी उसके ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब हमने ये वाला लाइन फाइंड की है। कैसे, एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दी है। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट हुआ x1 y1, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है वो लिखते हैं। ये आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x(x1+y(y1+g)(x+x1+f)(y+y1+c) इज इक्वल टू 0। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, जी चाहिए और एफ चाहिए, जी चाहिए और एफ चाहिए। तो सबसे पहले देखें जी और एफ कैसे निकालेंगे, सर्कल गिवन सर्कल इज 2x² + 2y² - 8x + 12y + 21 = 0। सर्कल को कंपेयर किया जाता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो x² का कोएफिशिएंट 2 खत्म करना है, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर लें, ये x² + y² - 4x + 6y + 21 = 0। अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखें एक चाहिए जी एफ और सी। तो
पहले कंपेयर इट विद x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus e equal to 0. तो x के साथ 2g होता है, 2g की वैल्यू minus 4, 2f की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 21 by 2. तो g कितना आ गया minus 2, f कितना आ गया 3 और c कितना 21 by 2. तो इसको कहाँ पुट कर देंगे, सर्कल जो आपने कंसीडर किया है वो 1 by equation 1 में put करें तो क्या आएगा, x x 1 plus y y 1 plus g की value आई आपके पास minus 2 into x plus x 1 plus f की value आपके पास कितनी आई है 3 y plus y 1 plus c की value कितनी है 21 by 2 equal to 0. 2 खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्या आएगा 2x x1 plus 2y y1 to 2 the minus 4 x plus x1 to 3 the 6 y plus y1 plus 21 equal to 0. अब एक काम करें 2x इसको सिंपलीफाई करें, 2y y1 minus 4x minus 4 x1 plus 6y plus 6y1 plus 21 equal to 0. देखें tangent line आपकी x1 y1 एक point बन गया है, अब इस tangent line पे कौन सा point है 4 5, since 4 5 lies on tangent line therefore let x equal to 4 y equal to 5. तो इसमें put कर दें x की जगह 4 put करें क्या आएगा 2 multiply 4 8x1 plus 2 multiply by 5 y equal to 5 10 by 1 minus 4x, x की जगह 4 4 4 the 16 minus 4x1 और क्या आएगा आपके पास plus 6y, y की जगह 5 6 5 the 30 plus 6y1 plus 21 equal to 0. अब 8x1 में से 4x1 निकालें तो 4x1 10y1 plus 6 16y1 कांस्टेंट कितना आ गया 30 21 51 51 में से 16 निकालें 35 equal to 0. तो ये आपके पास tangent equation आ गई है ये वाली जिसके ऊपर x1 y1 है, और अगर x2 y2 होता तो सिर्फ क्या आ जाएगा it is tangent line at x1 by 1. It is tangent line at x1 by 1. Now tangent line at x2 by 2 is second point x2 by 2. उस पे क्या होगी, देखें अगर x1 by 1 पे तो इधर x1 आ गया y1, अब x2 by 2 का मतलब इधर क्या आ जाएगा 4x2 plus 16y2 plus 35 equal to 0. 35 equal to 0. अब अगर मैं इन जनरल इक्वेशन लिखूं, देखें x1 y1 पे क्या है 4x1 plus 16y1 plus 35 equal to 0, x2 y2 पे क्या है 4x2 plus 16y2 plus 35 equal to 0. इन दोनों की जनरल इक्वेशन क्या बनेगी 4x plus 16y plus 35 equal to 0, जिसके ऊपर कौन से पॉइंट लाई करें, ये जो मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है इन दोनों की मदद से x1 की जगह अगर x हो जाए y1 की जगह y 4x plus 16y plus 35 equal to 0. तो इसमें कौन कौन से पॉइंट लाई करने हैं, x1 y1 अगर हो तो ये बन जाएगी, x2 y2 हो तो ये बन जाएगी 4x2 plus 16y2 plus 35 equal to 0. तो ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसके ऊपर कौन-कौन से पॉइंट लाई करें x1 y1, यानी ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट x2 y2, इसका मतलब है ये इनके दोनों की जिसमें दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो ये कौन सी है फाइंड इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कांटेक्ट, कि ये इन दोनों के दोनों पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो जो हमने इक्वेशन निकाली वो निकाली है 4x
प्लस 16y प्लस 35 ये वाली होगी, क्यों? इसके ऊपर ये पॉइंट भी लाई कर रहा है x4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इक्वल टू 0 और इसके ऊपर ये पॉइंट भी लाई कर रहा है 4x2 प्लस 16y2 प्लस 35 इक्वल टू 0। ये देखें एक ये है और आपके पास एक ये है, तो ये ऐसी इक्वेशन आ गई है जिस पे दोनों पॉइंट x1 y1 और x2 y2 दोनों लाइज कर रहे हैं, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ कांटेक्ट, कर्व ऑफ कांटेक्ट ऑफ पूरी स्टेटमेंट देंगे ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4, 5 टू द सर्कल। दोबारा समझे इसको क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो पॉइंट है सर्कल टेंजेंट लाइन के और सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिसपे ये दोनों पॉइंट लाई करते हो, हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये दोनों को जोड़े तो एक कॉर्ड बनती है, और एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ऊपर x1 y1 भी लाई करे x2 y2 भी लाई करे। अब देखें हमें क्या चाहिए, एक टेंजेंट इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट लाइन क्या होती है, जनरल इक्वेशन x(x1) + y(y1) + g x + x1 + fy + y1 + x1 y1 पे + c = 0 गिवन सर्कल क्या है 2x² + 2y² - 8x + 12y + 21 = 0। सर्कल 2 पे डिवाइड कर दें तो आपकी फॉर्म बन जाएगी x² + y² - 4x + 6y + 21/2। इसको आप कंपेयर करते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो 2g की वैल्यू कितनी आएगी -4, 2f की वैल्यू 6, c की वैल्यू 21/2, तो g बनेगा आपके पास -2, f बनेगा 3 और c बनेगा 21/2। इसको पुट कर दें, g की वैल्यू, f की जगह f की वैल्यू, c की वैल्यू, सिंपलीफाई कर लें फिर, क्योंकि सर्कल जो टेंजेंट लाइन है उसके ऊपर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है 4, 5, तो x की जगह 4 पुट कर देते हैं, y की जगह 5, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x1 + 16y1 + 35 = 0, क्योंकि इस टेंजेंट से एक ये लाइन बनती है और एक ये बनती है, दूसरा पॉइंट है x2 y2 के लिए क्या बनेगी 4x2 + 16y2 + 35 = 0। इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन बनी, अगर x1 x2 की जगह x होता 4x प्लस 16y प्लस 35 इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन लिखी है जिस पे x1 y1 भी लाई कर रहा है ये पॉइंट भी, और इसी इक्वेशन पे x2 y2 भी लाई कर रहा है, क्योंकि दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x की जगह x1 y1 पुट करें तो ये इक्वेशन आ जाएगी और x y की जगह x2 y2 पुट करें तो ये इक्वेशन आ जाएगी, तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लिहाजा हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन भी यही है 4x प्लस 16y प्लस 35 इक्वल टू 0। तो 6.1 और 6.2 विद टॉपिक्स मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिए हैं, और 6.1 6.2 में से एक लॉन्ग कन्फर्म आता है 5 मार्क्स का, दो शॉर्ट आते हैं 9 मार्क्स हो गए और एक ऑब्जेक्टिव, तो 6.1 6.2 को इंतहाई अच्छे तरीके से तैयार करें, कल इंशाल्लाह हम 6.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।